प्रदेश में लगातार बढ़ रही पेट्रो पदार्थ, घरेलू सिलेंडर और खाद्य वस्तुओं की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शुक्रवार को बिलासपुर जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस अध्यक्षा अंजना धीमान की अगुवाई में डीसी बिलासपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चंदेल सहित अन्य कई नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्तासीन हुई है, तब से महंगाई आसमान छू रही है। वर्ष 2014 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 434 रुपए में मिलता था, लेकिन वर्ष 2020 में लगभग 700 रुपए और वर्तमान में 875 रुपए तक कीमतें पहुंच गई हैं। इससे आमजन का जीना दुश्वार हो गया है। वहीं वर्ष 2014 में पेट्रोल की कीमतें 71.41 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज बढ़कर 100 रुपए के पार होने वाली है। इस प्रकार डीजल की कीमत आज भी 90 रुपए के पास पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण कर लोगों को राहत प्रदान की जाए, अन्यथा कांग्रेस आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। सर नमस्कार, आज हम महंगाई को लेकर यही कहना चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं। इन्होंने जो है बीजेपी की सरकार ने जो है डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी है। इंटरनेशनल में जो है कच्चे तेल की कीमतें जो है इतनी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। आज हम किसी पेट्रोल पंप पे गए थे, वहाँ भी लोगों का यही कहना है कि लोग जो है बहुत दुखी हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी चली हुई है, लेकिन इन्होंने जो है भाजपा की सरकार ने एक महंगाई के अलावा जो है कोई काम नहीं किया हुआ है। लोग बड़े दुखी हैं। हमारा कहना यही है कि महंगाई के ऊपर लगाम लगाई जाए, डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम की जाए। जब हमारे सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगी चीजें कभी नहीं हुई। 70 साल में 70 रुपए तक जो है वो सरसों का तेल था, तब भी बीजेपी के लोग जो है वो सड़कों पे बैठकर धरने प्रदर्शन करते थे। गैस की सिलेंडर बहुत कम, 400 रुपए 350 रुपए का जब मिलता था, तो ये लोग जो है इतना धरना प्रदर्शन कहा करते थे। आज कहाँ हैं वो लोग, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं जब लोग इतनी महंगाई हो गई है। हमारा यही कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम की जाए। आज हमारे साथ पूर्व सांसद सुरेश चंदेल जी भी यहाँ पे हैं, पूर्व विधायक बीराम किशोर जी हैं, विजय वर्धन जी, विशाल जी, अनुराग पंडित जी यहाँ पे मौजूद हैं, और अब हमारे पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। हम सभी जो है इसके विरोध के पक्ष में जो है माननीय डीसी महोदय जी को एक ज्ञापन देंगे कि इस विरोध कर रहे हैं कि ये महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है, इसमें लगाम लगाई जाए। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया है महंगाई के खिलाफ, क्योंकि पूरे देश की और प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है कि पिछले दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें आए दिन बढ़ रही है लगातार। आज से कल कीमत और होती है, परसों और होती है। अब एक सवाल उठता है कि इनको महंगा करने के पीछे क्या कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इस समय कीमतें काफ़ी गिरी हुई हैं, और इस कालखंड में लगभग लगभग एवरेज देखें तो मनमोहन सिंह जी जब थे तो उस समय 70 रुपये लीटर बिकता था, तो उस समय बैरल जो है आज से ज़्यादा ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें थी। लेकिन आज जबकि कीमतें डाउन है तो लोगों को उससे कई गुना महंगा इसलिए मिल रहा है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बाकी सब कुछ बढ़ा दिया है, और सरकार सिर्फ एकमात्र इसी से धन संग्रह के काम में लगी है। अंदाज़ा है कि पिछले कई सालों में सरकार ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें उगाई हुई है, तो लोगों की जेबों के ऊपर सीधा सीधा ये जो एक किस्म से लोगों की जेबों से पैसा निकालने का जो खेल चल रहा है लगातार, और लोगों का ध्यान बॉर्डर पर बांटने की जो काम हो रहा है, ये है लोगों का ध्यान बॉर्डर पर बांटते रहो और जाकर के लोगों की जेबों को खाली करते रहो, इस तरीके का जो काम है इसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। और आज जो पार्टी ये कहती थी कि हम समाज के प्रति संवेदनशील हैं, हम समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं,
आज ना जिम्मेदारी दिख रही है, ना जवाबदेही दिख रही है, ना समाज के प्रति संवेदनशीलता दिख रही है। क्योंकि गैस की कीमतों में भी वृद्धि हुई है, तो रोज आम आदमी के उपयोग में आने वाली ये चीज़ें हैं और इनकी महंगा होने से कोई भी चीज़ महंगाई की मार से नहीं बचती। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो अनाज भी महंगा होगा, हर चीज़ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ढुलाई जो है उसके अंदर मेन इस्तेमाल होने वाली चीज़ डीजल। तो इसलिए इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हम एक पार्टी के नाते, विपक्षी पार्टी के नाते, अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही समझते हैं कि हम जनता की आवाज़ को, लोगों के इसको उठाएं और लोगों को इसके लिए जागृत करें, लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। और इसीलिए इस आज हम एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी भावनाओं को और जनता की भावनाओं की, लोगों की भावनाओं को इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को दे रहे हैं।